आज हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र की तीसरी बीमारी, और पाचन तंत्र की तीसरी बीमारी का नाम है आपके इसोफेजाइटिस। इसोफेजाइटिस को हिंदी में कहते हैं ग्रसिता का शोथ। तो सबसे पहले अपन ये चीज देखते हैं कि इसोफेजाइटिस किसे कहते हैं। तो इसोफेजाइटिस का मतलब होता है ग्रसिका का शोथ। तो ग्रसिका की म्यूकस मेम्ब्रेन या ग्रसिका की सूजन को ही क्या कहते हैं, इसोफेजाइटिस या ग्रसिका का शोथ कहते हैं। तो इसकी परिभाषा लिखिए आप। ग्रसिका की श्लेष्मा झिल्ली या ग्रसिका का शोथ इसोफेजाइटिस कहलाता है। ग्रसिका की श्लेष्मा झिल्ली या ग्रसिका का शोथ इसोफेजाइटिस कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं कारण या एटियोलॉजी। एटियोलॉजी या रोग कारक, इसोफेजाइटिस नामक बीमारी है जो किन कारणों की वजह से पशुओं में होती है। तो सबसे पहले आपके रासायनिक पदार्थ, कई प्रकार के केमिकल होते हैं, उन केमिकल की वजह से पशु के इसोफेगस के म्यूकस मेम्ब्रेन या इसोफेगस का इन्फ्लामेशन हो जाता है। रासायनिक पदार्थ जैसे एसिड है, बेस है, फॉर्मेलिन है, कई प्रकार के अम्ल, क्षार और फॉर्मेलिन, ये कई प्रकार के रसायन ऐसे होते हैं जिनकी वजह से पशु के इसोफेगस की म्यूकस मेम्ब्रेन है उसका इन्फ्लामेशन हो जाता है। ठीक है, दूसरा कारण है अत्यधिक ठंडा या गर्म आहार। जब पशु को अत्यधिक ठंडा या गर्म आहार खिलाया जाता है तो उस आहार के कारण जो इसोफेगस होती है उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन को क्षति होती है, और उस म्यूकस मेम्ब्रेन की क्षति या हानि के कारण वहां पे क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है और इसोफेजाइटिस की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। कई बार क्या करते हैं, जब पशु को अपन सूखा कूड़ा या गीला कूड़ा आहार वगैरह कुछ भी डालते हैं तो उसमें कई प्रकार की धारदार और नुकीली वस्तुएं जैसे कील है, ओलिफिन है, सुई है, कोई ब्लेड का टुकड़ा है, चाकू का टुकड़ा है, ये क्या होता है कि वो पशु आहार के साथ में खा लेता है। खाने के बाद में वो मुंह में, तो कई बार क्या है पशु बहुत ही कम चबाता है, पहले जो भी आहार मिलता है उसको निगलने की कोशिश करता है। तो मान लो मुंह में उसने निगल लिया, घसने में भी निगल लिया, लेकिन घसीका में जाकर वो फंस गया या वहां पे कोई किसी भी प्रकार की रुकावट हो गई, उसके कारण वहां पे म्यूकस मेम्ब्रेन को क्या हो गया, चोट लग गई। तो उस चोट के कारण भी पशु के क्या होगा, इसो हेजाइटिस हो जाएगा। नुकीली वस्तुएं, ठीक है। नेक्स्ट, जब अपन पशु के मुख मार्ग से दवाई पिलाते हैं उस दौरान स्टोमक ट्यूब या प्रोबैंग है वो पशु के मुंह में डालते हैं तो उससे भी कई बार जो पशु की म्यूकस मेम्ब्रेन होती है इसोफेगस की, उस म्यूकस मेम्ब्रेन में चोट लग जाती है, और चोट के कारण क्या होता है वहां पे इन्फ्लामेशन या संक्रमण हो जाता है, और उस संक्रमण की वजह से इसोफेगाइटिस नामक बीमारी पैदा हो जाती है। लेकिन स्टोमक ट्यूब या प्रोबैंग
प्रोवेंट के गलत तरीके से डालने के बाद क्या होता है, पशु के इसोफेजाइटिस या ग्रसिका का शोथ हो जाता है। कई बार स्टोमेटाइटिस हो जाता है और गैस्ट्राइटिस नामक बीमारी हो जाती है। तो उस गैस्ट्राइटिस और स्टोमेटाइटिस बीमारी की जो सिक्वेली होती है, जब मैंने मेडिसिन का परिचय पढ़ाया था या बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दी थी, उसमें मैंने बताया था कि पशु चिकित्सा विज्ञान किसे कहते हैं, एटियोलॉजी क्या है, डायग्नोसिस क्या है, निदान क्या है, सिम्टम क्या है, इन सब की डेफिनेशन बताई थी। उस दौरान मैंने एक सिक्वेली वर्ड है वो भी यूज किया था और उसकी डेफिनेशन भी आपको मैंने बताई थी। सिक्वेली का मतलब होता है जब कोई बीमारी हो जाती है और वो बीमारी ठीक होने के पश्चात उस बीमारी के कुछ रोग के अवशेष जो शरीर में रह जाते हैं और उसके कारण क्या होते हैं कि कोई दूसरी बीमारी पैदा हो जाती है। बीमारी तो दूसरी है लेकिन उस बीमारी के कारण या उस बीमारी के कुछ रोग कारण पशु के शरीर में उपस्थित रह जाते हैं और उनके कारण क्या होता है कि कोई अलग बीमारी हो जाती है। तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, उस बीमारी को, उस बीमारी की सिक्वेली कहते हैं। तो कई बार स्टोमेटाइटिस और गैस्ट्राइटिस बीमारी हो जाती है और जब स्टोमेटाइटिस और गैस्ट्राइटिस नामक डिजीज है वो ठीक हो जाती है तो उसकी सिक्वेली क्या है। आपको पूछ ले कि गाय भैंस में होने वाले स्टोमेटाइटिस नामक रोग की सिक्वेली क्या है, तो वो है आपके इसोफेजाइटिस। स्टोमेटाइटिस या गैस्ट्राइटिस की सिक्वेली के रूप में भी स्टोमेटाइटिस या गैस्ट्राइटिस की सिक्वेली के रूप में भी आपके इसोफेजाइटिस नामक रोग हो सकता है। इसके अलावा एक लार्वा और लार्वा में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है परजीवी है हाइपोडर्मा लिनेटम के लार्वा की ग्रसिका की भित्ति में मृत्यु हो जाने से हाइपोडर्मा लिनेटम के लार्वा की ग्रसिका की भित्ति में मृत्यु हो जाने के कारण भी क्या होता है, इसोफेजाइटिस हो जाता है। हाइपोडर्मा लिनेटम एक प्रकार का पैरासाइट या परजीवी है और इसका लार्वा है जो इसोफेगस की भित्ति में या इसोफेगस में मर जाता है। तो मरने के कारण वहां पे क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो उस इन्फ्लामेशन को अपन क्या कहते हैं, इसोफेजाइटिस कहते हैं। ग्रसिका की श्लेष्मा झिल्ली या ग्रसिका की सूजन को इसोफेजाइटिस कहते हैं। इसके निम्न कारण है, रासायनिक पदार्थ जैसे अम्ल क्षार या फॉर्मेलिन जैसे कई प्रकार के रसायन होते हैं उनके कारण भी इसोफेजाइटिस हो सकता है। दूसरा कारण है पशु को अत्यधिक ठंडा या गर्म आहार देने के कारण, पशु द्वारा नुकीले या धारदार वस्तुओं के खाने से निगलने से, स्टोमक ट्यूब या प्रोवेंट के गलत तरीके से पशु के मुंह मार्ग में डालने से, इसोफेजाइटिस और गैस्ट्राइटिस की सिक्वेली के रूप में भी इसोफेजाइटिस नामक रोग हो सकता है। नेक्स्ट है हाइपोडर्मा लिनेटम के लार्वा की ग्रसिका की भित्ति में मृत्यु होने के कारण भी पशु को इसोफेजाइटिस ग्रसिका शोथ नामक रोग हो सकता है। तो ये हो गया आपके एटियोलॉजी। नेक्स्ट अपन देखते हैं लक्षण या सिम्टम कि जब पशु के इसोफेजाइटिस नामक रोग हो जाता है तो कौन से लक्षण पशु में देखने को मिलते हैं। एक एक चीज के बारे में पढ़ना आपको आराम से पढ़ना है, कोई भी चीज की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको यहाँ पे 5-6 कारण लिखा रहा हूँ लेकिन अगर परीक्षा में आपको पूछा जाए कि गाय में इसोफेजाइटिस नामक बीमारी के कारण लक्षण व उपचार लिखिए तो आपको इसकी परिभाषा लिखनी है, उसके पश्चात
कोई भी दो कारण लिखने आपको जो आपको ऑथेंटिक लगे। उसके बाद मेन में चार या पांच लक्षण लिखने हैं और उसके पश्चात उसका शॉर्ट एंड स्वीट ट्रीटमेंट लिखना है जो एक्टिव ट्रीटमेंट इस बीमारी के अंतर्गत दिया जाता है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम की जितनी भी बीमारियां होती हैं उन बीमारियों में पशु की जहाँ तक मौत होने की संभावनाएं हैं वो बहुत ही कम होती है, क्योंकि चार पाँच दिन में डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित बीमारी है वो अपने आप ही ठीक हो जाती है। लेकिन अगर अपन उसका ध्यान नहीं देते हैं, उपचार नहीं करते लंबे समय तक, तो उसमें पशु की मौत क्यों होती है? वीकनेस के कारण या वो इन्फेक्शन है जो ज़्यादा बढ़ने के कारण होता है। तो इसलिए जो पाचन तंत्र की बीमारियाँ होती हैं उनमें ज़्यादातर सपोर्टिव और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो दिया जाता है। जैसे अभी मैंने तीसरी बीमारी चल रही है आपकी, लेकिन इसके कारण और लक्षण जहाँ तक है एक दूसरे के आपस में बहुत ही ज़्यादा मिलते जुलते हैं, तो इनका ट्रीटमेंट भी लगभग एक जैसा ही होता है। तो अपन देखते हैं इसोफेजाइटिस के लक्षण या सिम्टम। अब ये चीजें आपको पढ़ने से पहले ये भी पता होना चाहिए कि एटियोलॉजी किसे कहते हैं, सिम्टम किसे कहते हैं, डायग्नोसिस किसे कहते हैं, ट्रीटमेंट किसे कहते हैं, प्रिवेंटेशन क्या है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। और इनके बारे में मैंने आपको मेडिसिन में पहले की क्लास में उनमें बता दिया था, ठीक है। लक्षण, लक्षण में मतलब सबसे पहले अपन देखते हैं कि पशु के इसोफेगस में क्या है, इन्फ्लामेशन है। तो इसोफेगस में इन्फ्लामेशन होने के कारण पशु नहीं तो कोई पदार्थ खाद्य पदार्थ खाने की कोशिश करता है और नहीं उसको निगल पाता है। खाने की कोशिश इसलिए नहीं करता है क्योंकि पशु के मुंह में, मुखगुहा में और गर्भाशय में क्या होता है, दर्द होता है। तो उस दर्द के कारण पशु के कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होती है। अगर वो कुछ खा भी लेता है तो उस खाए हुए पदार्थ को निगल नहीं पाता है। तो जहाँ तक है इसोफेजाइटिस या गर्भाशय का शोध हो जाता है तो पशु का आहार है वो बहुत ही कम कर देना चाहिए और पशु को मुलायम और सुपाच्य आहार देना चाहिए। जहाँ तक हो सके उसको लिक्विड ज़्यादा मात्रा में मिलाना चाहिए और उस लिक्विड में कुछ ऐसे पदार्थ अपने को मिलाने हैं जिससे पशु को एनर्जी मिल सके। तो इसके लक्षण क्या होते हैं, लार का अधिक मात्रा में गिरना, यानी उसका सेलाइवेशन है बहुत ही तेज हो जाता है, लार अत्यधिक मात्रा में गिरती है। नेक्स्ट है आहार निगलते समय पशु के दर्द होता है। इसोफेगस में इन्फ्लेमेशन है तो आहार स्टोमक में या आमाशय में जाएगा तो इसोफेगस के माध्यम से जाएगा तो पशु को आहार निगलते समय दर्द होता है। नेक्स्ट है कई बार आहार खांसी के साथ बाहर भी आ जाता है। कई बार आहार है जो खांसी के साथ मुंह मार्ग से या नाक से बाहर भी आ जाता है। नेक्स्ट है गले में रिचिंग साउंड आती है, एवं पशु को उल्टी भी हो सकती है। यानी जब इसोफेगस में किसी प्रकार की रुकावट आ जाती है या इसोफेगस में इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो मान लो ये इसोफेगस है, इसकी मोटाई इतनी थी, इसका व्यास इतना था, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो गया, तो इन्फ्लामेशन के कारण सूजन हो गई, सूजन के कारण इसका मार्ग वो छोटा हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, तो उसके कारण कोई भी आहार जाता है तो उसके कारण क्या होता है, दर्द होता है, खांसी भी आ सकती है और खांसी के साथ वो आहार है जो नाक या मुँह के माध्यम से बाहर भी आ सकता है और पशु को उल्टी भी हो सकती है। और इसोफेगस से क्या होती है, रिचिंग साउंड का मतलब है बहुत तेज आवाज आती है, बहुत
जब इसोपेजाइटिस गंभीर स्थिति में होता है उस दौरान क्या होता है कि इसोपेगस से बहुत तेज मात्रा में आवाज आती है, बहुत तेज साउंड सुनाई देती है। ठीक है, कई बार इसमें मान लो कि इंफ्लामेशन बहुत ज्यादा हो जाता है और उस इंफ्लामेशन के कारण क्या होता है कि ये जो इसोपेगस है उसकी भित्ति फट जाती है, तो ये भी कंडीशन आपको देखने को मिलती है। ग्रसिका के फट जाने पर उस स्थान पर सूजन आ जाती है, वह क्रेपिटस साउंड सुनाई देती है। ग्रसिका के फट जाने पर उस स्थान पर सूजन आ जाती है, अपन बाहर से महसूस करते हैं ना, तो वहां पे क्या होता है सूजन आ जाती है और क्रेपिटस साउंड है वो सुनाई देती है, क्रेपिटस साउंड सुनाई देती है, गले पर सूजन आ जाती है, पशु को बाहर निकलने में परेशानी होती है, आर जो नाक या मुंह से बाहर आ जाता है और लार अत्यधिक मात्रा में गिरती है। और इसोफेजाइटिस है उसमें क्या है कि अगर ग्रसिका का मार्ग मान लो बंद हो गया है तो उस दौरान क्या होता है आता भी आ सकता है। नेक्स्ट लक्षण लिखिए ना इसका, पशु के आता भी हो सकता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं टेम्पेनी बोलते हैं। ठीक है, ये हो गए इसके लक्षण। अब अपन पढ़ेंगे डायग्नोसिस या निदान। मान लो कि पशु के इसोफेजाइटिस नामक बीमारी हो गई तो उस बीमारी का अपन डायग्नोसिस किस आधार पर करेंगे, तो कोई पशु में कोई भी बीमारी होती है उस बीमारी के डायग्नोसिस के लिए पशुपालक का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो पशुपालक से पशु की स्थिति लेते समय बहुत ही ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए और जहाँ तक हो पशुपालक की ग्रामीण भाषा में बात करनी चाहिए ताकि पशुपालक अपने द्वारा या पशु चिकित्सक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब है जो आसानी से दे सके और कोई गलत प्रकार की जानकारी नहीं हो नहीं दे पाए ताकि पशु का डायग्नोसिस आसानी से किया जा सके। डायग्नोसिस का मतलब होता है निदान। आप जब भी मार्केट में जाते हो तो कई जगह देखा हुआ मिलता होगा आपको, लिखा हुआ मिलता है कि ये फलाना डायग्नोस्टिक सेंटर है, ये वो डायग्नोस्टिक सेंटर है। डायग्नोस्टिक या डायग्नोसिस सेंटर का मतलब ये होता है कि वहां पर बीमारी को पहचान कर निर्धारित किया जाता है कि मनुष्य में किस प्रकार की बीमारी है या कौन सा रोग है। डायग्नोस्टिक सेंटर, तो डायग्नोस्टिक का मतलब ये होता है कि वहां पे रोग को पहचान कर निर्धारित किया जाता है और रोग को पहचान कर निर्धारित करने की जो कला है उस कला को ही क्या कहते हैं डायग्नोसिस या निदान कहते हैं और उस निदान के आधार पर ही पशु का उपचार किया जाता है कि पशु को किस प्रकार की बीमारी है। अकॉर्डिंग टू सिम्टम डायग्नोसिस किसके आधार पर करना है अकॉर्डिंग टू सिम्टम और दूसरा है अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री और तीसरा है कि इसोफेगस में अपन डायग्नोसिस कैसे करेंगे कि पशु के माउथ गैग लगाएंगे, माउथ गैग लगाकर पशु का मुंह खोलेंगे, मुंह खोलने के पश्चात अपन टॉर्च वगैरह जला के देखेंगे कि पशु के इसोफेगस में कोई वस्तु या खाद्य पदार्थ फंसा हुआ तो नहीं है, उसको अपन हाथ से बाहर से छूके भी महसूस कर सकते हैं, मुख गुहा का निरीक्षण करें। मुख गुहा का निरीक्षण करके भी इसका डायग्नोसिस किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट आपके डिफरेंशियल डायग्नोसिस यानी विभेदात्मक निदान। कई बीमारी ऐसी भी होती है जिनके लक्षण है जो आपके इसोफेजाइटिस से काफी मिलते जुलते हैं, तो उस बीमारी को और इसोफेजाइटिस को अपने को अलग अलग पहचान करनी है कि इसमें इसोफेजाइटिस है या फेरेंजाइटिस है या इसोफेजियल ओवरस्ट्रक्शन है। ओवरस्ट्रक्शन का मतलब होता है रुकावट।
तो वो कौन सी है या ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिनसे अपने को डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना है। क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लेता है कि इसोफेजाइटिस का किन किन बीमारियों से डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना चाहिए। एक नंबर का क्वेश्चन आ गया, तो वो भी आपको पता होना चाहिए डिफरेंशियल डायग्नोसिस। फेरिंजाइटिस और इसोफेजियल ओबस्ट्रक्शन, फेरिंजाइटिस का मतलब होता है इंफ्लामेशन ऑफ फेरिंग्स और इसोफेजियल ओबस्ट्रक्शन का मतलब होता है गर्भाशय में रुकावट। तो इन दोनों बीमारियों का इसोफेजाइटिस से डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना है। एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है सीधा सीधा, इसोफेजाइटिस का डिफरेंशियल डायग्नोसिस खालिस्तान और खालिस्तान बीमारियों से करना चाहिए। फेरिंजाइटिस जो है इसोफेजियल ओबस्ट्रक्शन नामक डिजीज से इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस किया जाता है। और ये चीजें आप जब तक फील्ड में काम नहीं करोगे, किसी के साथ नहीं सीखोगे, तब तक आप नहीं कर सकते। डायग्नोसिस करना ही वेटरनरी साइंस में पूरी बीमारी को समझना है। अगर जिसने बीमारी का डायग्नोसिस करना सीख लिया, इसका मतलब उसने बहुत कुछ सीख लिया। जब तक आपको ट्रीटमेंट पता है कि आप इसोफेजाइटिस बीमारी है तो उसमें यह ट्रीटमेंट देना है, मिल्क प्योर में यह ट्रीटमेंट देना है, केटोसिस में ट्रीटमेंट देना है, लेकिन जब तक आपको डायग्नोसिस करना नहीं आएगा तब तक वो आपका ट्रीटमेंट किसी भी काम का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मान लो आप इसोफेजाइटिस का ट्रीटमेंट आपको पता है, लेकिन पशु के मिल्क प्योर नामक बीमारी हो रही है और आप इसोफेजाइटिस का ट्रीटमेंट वहां पे दे रहे हो, तो कुछ काम करेगा? नहीं करेगा। इसलिए कोई भी बीमारी हो, सबसे पहले उस बीमारी का डायग्नोसिस या निदान करना या डायग्नोसिस करना आना बहुत ही अनिवार्य है। अब बात करते हैं अपन ट्रीटमेंट या उपचार की। ट्रीटमेंट या उपचार, मान लो कि आपके पशु को इसोफेजाइटिस नामक बीमारी हो गई, तो उस पशु को सबसे पहले आप क्या उपचार दोगे? तो सबसे पहले तो कोई सी भी बीमारी हो, उस बीमारी का डायग्नोसिस करना सबसे पहले अपन पशु को, जैसे पशुपालक अपने पास लेकर आता है, बुलाता है घर पे, तो सबसे पहले अपन जाते हैं, क्या करते हैं, पशु को देखते हैं, उसके आसपास के वातावरण को देखते हैं, उसकी एक्टिविटी देखते हैं, उनके दैनिक क्रियाएं देखते हैं कि कैसा गोबर कर रहा है, कैसा यूरिन कर रहा है, किस माध्यम से कर रहा है, इसमें अलग से क्या साइन है जो अपने को देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में अपने को ऐसे लगे कि इसके इसोफेजाइटिस हो सकता है, तो वो अपन अपने को नहीं पता कि उसमें इसोफेजाइटिस क्यों हुआ है, लेकिन वो चीज़ अपने को पशुपालक बताएगा कि मैंने इसको ये चीज़ अलग खिलाई है, इसके आहार में परिवर्तन किया है, दाने में परिवर्तन किया है, या मौसम की वजह से कैसे हुआ है, जो अपने को पशुपालक बताएगा। उसके आधार पर अपन उसका निदान करते हैं। निदान करने के बाद में उपचार करते समय सबसे पहले अपन बीमारी का जो भी कारण है, बीमारी के उस कारण को हटाएंगे। सर्वप्रथम रोग कारक को हटाएं। जब तक आप उपचार कर रहे हो और रोग के रोग कारक को नहीं हटाओगे, तब तक वो पशु उस बीमारी से ठीक नहीं हो सकता। तो पशु को जल्दी ठीक करने के लिए सबसे पहले उस रोग का जो भी रोग कारक है उसको वहां से हटाना है। हटा दें, ठीक है। उसके पश्चात दो तीन दिन तक पशु को आहार नहीं खिलाना चाहिए। अगर इसोफेजाइटिस बीमारी है तो बात कर रहा हूं, अगर पशु के इसोफेजाइटिस नामक रोग है तो पशु को दो तीन दिन तक पशु को आहार नहीं खिलाना चाहिए, तो पशु जिंदा कैसे रहेगा? उसके लिए पशु को अपन क्या करते हैं, तरल पदार्थ खिलाना चाहिए और फ्लूइड थेरेपी लगाते हैं। दो तीन दिन तक पशु को आहार नहीं खिलाना चाहिए तथा तरल पदार्थ खिलाना चाहिए।
तरल पदार्थ पिलाना चाहिए। मान लो अपन आर पिला रहे हैं तो वो मुलायम आर पिला रहे हैं तो भी वो पशु की ईसोफेगस उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन को क्या करेगा, चोट पहुंचाएगा, उसके कारण ये ठीक होने की संभावना और कम हो जाएगी। इसलिए पशु को 2-3 दिन तक आहार नहीं खिलाना है और उसको जितना हो सके उतना लिक्विड पिलाना है। उसके अलावा पशु को क्या करना है, फ्लूड थेरेपी देनी है। फ्लूड थेरेपी का मतलब होता है उसके बोतल चढ़ानी है। बोतल में आप DNS भी चढ़ा सकते हो, NS भी चढ़ा सकते हो, नॉर्मल चलाएंगे वो भी चढ़ा सकते हैं, और ये अपने को पशु के शरीर भार के अनुसार चढ़ाना है। अगर छोटा पशु है तो उसको 200-300 ml चढ़ानी है, 500 ml चढ़ानी है, और बड़ी अगर गाय भैंस है तो उसको अपन 1000 से 1500 ml तक भी फ्लूड थेरेपी दे सकते हैं। और फ्लूड थेरेपी हमेशा IV दी जाती है। IV का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, इंट्रावीनस, यानी ये फ्लूड थेरेपी हमेशा नस में दी जाती है। और नस में भी कौन सी नस में दी जाती है, जुगलर वेन में दी जाती है। फ्लूड थेरेपी पशु की जुगलर वेन में, गाय भैंस की जुगलर वेन में IV इंट्रावीनस दी जाती है, ठीक। उसके बाद इसमें लक्षणों में अपन ने देखा था कि जो पशु की एसोफेजाइटिस हो जाता है तो क्या होता है, लार अत्यधिक मात्रा में गिरती है, तो उस लार के सेक्रेशन को कम करने के लिए अपन क्या करते हैं, एट्रोपिन सल्फेट का इंजेक्शन लगाते हैं। इंजेक्शन एट्रोपिन सल्फेट, और ये एट्रोपिन सल्फेट एक गाय के लिए बता रहा हूं आपको 10 ml देना कम से कम, और ये देना आपको इंट्रा मस्कुलर। कोई भी इंजेक्शन आप किसी भी पशु के लगा रहे हो, लगाने से पहले उसको लगाने का रूट है वो अवश्य देख लेना कि उस इंजेक्शन को आप किस किस मार्ग से दे सकते हैं, IM, IV, सबकट या इंट्रावेनस, कौन सा मार्ग हो उसका, या कई इंजेक्शन ऐसे भी होते हैं जिनके तीनों मार्ग होते हैं, इंट्रावेनस भी होता है, सबकट भी होता है, इंट्रामस्कुलर भी होता है, तो वो चीज अपने को देख के फिर लगाएं। एट्रोपिन सल्फेट क्या करता है कि जो इसोफेगस के मूवमेंट होते हैं, स्पास्म होते हैं, एट्रन वगैरह होती है, उसको भी कम करता है, और जो लार होती है उसके स्राव को भी कम करता है। उसके बाद में अपन सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकने के लिए क्या करते हैं, एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाते हैं। एंटीबायोटिक इंजेक्शन, एंटीबायोटिक इंजेक्शन में आप एम्पिसिलिन है, पेनिसिलिन है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है, टेट्रासाइक्लिन है, इसमें से कोई सा भी एक एंटीबायोटिक है जो पशु को लगाना है। एंटीबायोटिक इंजेक्शन ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, इंजेक्शन ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है वो लगाना है। इसके अलावा एंटीबायोटिक इंजेक्शन अपन ने दे दिया सेकेंडरी इंफ्लामेशन को रोकने के लिए कि उसमें इसोफेजाइटिस के कारण सेकेंडरी इंफेक्शन नहीं हो। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, शोथ या सूजन है, तो इसको कम करने के लिए क्या करते हैं, एंटी इंफ्लामेटरी इंजेक्शन, एंटी इंफ्लामेटरी इंजेक्शन, जैसे नसेड वगैरह होते हैं वो देने अपने को, NS नसेड का मतलब होता है नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स, एग्जांपल के रूप में आप ले सकते हो एनिफ्लेम आता है, NP है, एनर्जिन है, ये इंजेक्शन एंटी इंफ्लामेटरी इंजेक्शन या नसेड होता है वो क्या करता है कि वहां पे दर्द होता है उसको भी कम करता है और सूजन को भी कम करता है, तो ये दो काम करता है इंजेक्शन। एंटी इंफ्लेमेटरी इंजेक्शन जैसे नसेड है वो इंट्रामस्कुलर ही देना है आपको, इंट्रामस्कुलर। इसके अलावा ये इतनी सारी दवाइयां अपन दे रहे हैं और उसके पशु के क्या हो रहा है, इंफ्लेमेशन हो रहा है, उसकी वजह से वहां पे एलर्जी भी पैदा होगी, तो उसके लिए एंटी हिस्टामिनिक इंजेक्शन भी लगाते हैं, एंटी हिस्टामिनिक इंजेक्शन, जैसे AV है, CPM है, G
जीट है, कई प्रकार के आते हैं। ये देना आपको लगभग 10 ml इंट्रा मस्कुलर ही देना है। इसके अलावा अगर आप चाहो तो उस पशु को कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन है वो भी लगा सकते हो, और उसके जो पाचन तंत्र होता है उसकी एक्टिविटी बढ़ाने के लिए पशु को अपन मिनरल मिक्सचर और विटामिन भी दे सकते हैं। मिनरल मिक्सचर है, विटामिन है वो भी अपन पशु को आहार के रूप में दे सकते हैं। मिनरल मिक्सचर पशु को एक दिन में कम से कम कितना देना है, 50 ग्राम देना है। 50 ग्राम से ज्यादा मिनरल मिक्सचर पशु को एक दिन में नहीं देना चाहिए। अगर अपन 50 ग्राम से ज्यादा मिनरल मिक्सचर पशु को एक दिन के आहार में देंगे तो वो क्या है कि उस मिनरल मिक्सचर का शरीर में अवशोषण नहीं कर पाएगा, और वो मिनरल मिक्सचर पशु के गोबर या यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाएगा, कोई भी काम नहीं आएगा। इसलिए जहाँ तक वो पशु को 40 से 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर है वो प्रतिदिन देना चाहिए। इसके अलावा पशु को प्रतिदिन के आहार में कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 30 ग्राम नमक प्रतिदिन देना चाहिए। 30 ग्राम नमक है जो पशु के कोई भी बीमारी है चाहे नहीं है, पशु को नियमित रूप से जो भी अपन आहार देते हैं उस आहार में 30 ग्राम नमक और 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर जरूर होने चाहिए। अगर अपन नियमित रूप से ये आहार पशु को देते हैं और पशु की हर 3 महीने पश्चात डीवर्मिंग अपन करवाते हैं तो पशु में बीमारी होने की संभावना बहुत ही बहुत कम हो जाती है। ये आपके इसोफेगाइटिस के कारण, लक्षण, उपचार, निदान सब कुछ हो गए। अगर बचाव की बात करें तो अपने को सबसे पहले जिस पशु के इसोफेगाइटिस हो गया उस पशु को नरम और मुलायम सुपाच्य आहार देना है, जितना हो सके उतना तरल पदार्थ खिलाना है, हार्ड कठोर खाद्य पदार्थ बिल्कुल भी नहीं खिलाना है, और उस पशु को आराम की आवश्यकता होती है। अगर मान लो आपने ये उपचार दे दिया पशु को और फिर भी पशु ठीक नहीं हो रहा है तो उसका एकमात्र इलाज है पशु की शल्य चिकित्सा या सर्जरी करना। सर्जरी ही एकमात्र इस प्रकार की बीमारी का इलाज होता है। अगर अपन इसका नॉर्मली उपचार करते हैं, कुछ उपचार से पशु ठीक हो जाता है तो ठीक है, और अगर ठीक नहीं हो पाता है तो पशु की शल्य चिकित्सा द्वारा उस बीमारी से निजात दिलाया जाता है। धन्यवाद।